बाद में बढ़ा सकते ना। सो टुडे अभी हम लोग ट्रेन का ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, अभी लोड चार्ट के बारे में आज का ट्रेनिंग है। साजिद जी आपका डाउट क्या है ये बताइए। मेरे को लोड चार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड चार्ट क्यों रहता है ट्रेन में, हाँ क्यों रहते हैं, कैपेसिटी उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये आपको अभी जानना है। विद मैक्स फॉल एंड टुडेस डेट इज 17 मार्च 2023। अभी लोड चार्ट के बारे में हम लोग अभी जानते हैं क्या होता है। देखिए ऐसे क्रेन रहता है, साजिद जी ऐसे क्रेन रहता है, क्रेन का ऐसे काउंटर वेट रहता है, ठीक है। अब मान लो ये काउंटर वेट वन हो गया, ये टू हो गया, काउंटर वेट दो होते हैं, काउंटर वेट दो भी रहते हैं, तीन भी रहते हैं, चार भी, एक के ऊपर एक, हाँ अच्छा, ऐसे चार काउंटर वेट भी रहते हैं। अब उसमें काउंटर वेट में लिखा रहेगा कोई 9 टन का काउंटर वेट है, 5 टन का है, 4 टन का है, ऐसे काउंटर वेट लिखा रहेगा। जितना काउंटर वेट उसका रहेगा और मैन्युफैक्चरर हमको प्रोवाइड करेगा कि इतने टाइप के अपने पास में लोड चार्ट अवेलेबल है उसमें, ठीक है। आप मान लीजिए वहां पे क्रेन ग्रोव करके क्रेन है, अब ग्रोव में अगर दो काउंटर वेट लगा है तो टू लोड चार्ट, तो हमने अपने डिस्प्ले में क्या किया, LC1 दिया और LC2 दिया। अब LC1 पे क्या होगा, 4 टन वाला लोड चार्ट आएगा एट LC1, ओके LC1 पे 4 टन का है। अब बटन से आपने LC2 कर दिया, LC2 हो गया या मोड 2 हो गया, अब उस पे क्या हुआ, दूसरा काउंटर वेट का लोड चार्ट सेलेक्ट हो गया। अब मान लो आप 50 टन की क्रेन है, अब यहाँ पे इसका लोड चार्ट का जो सेफ वेट आएगा, मान लो यहाँ पे 50 टन दिया हुआ है, यहाँ पे 40 टन दिया है, ऐसे यहाँ पे 30 टन दिया है, यहाँ पे 20 टन दिया है, यहाँ पे 5 टन दिया है, यहाँ पे 1 टन दिया है, ऐसे लोड चार्ट दिया है। ये 10 मीटर बूम लेंथ हो गया, ये 3 मीटर रेडियस हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया, ये 7 मीटर हो गया, ये मान लो 8 मीटर हो गया। ये वो मैक्सिमम वेट हो गया ना, 50 टन 40 टन, ये हो गया डिफरेंट रेडियस, मैक्सिमम मिनिमम, एकदम जितना रेडियस कम होते जाएगा उतना सेफ वेट बढ़ते बढ़ेगा। अब 3 मीटर रेडियस पे इसकी कैपेसिटी है 50 टन और 4 मीटर रेडियस पे है 40 टन, 5 मीटर रेडियस पे है 30 टन, ओके 6 मीटर पे है, ऐसे अकॉर्डिंग टू बूम लेंथ और चेंज होगा दूसरा लोड चार्ट। अब ये हो गया LC1 काउंटर वेट पे, अब मान लो LC2 5 टन काउंटर वेट पे, ये मान लो कि 4 टन काउंटर वेट का लोड चार्ट दिया है, ठीक है। अब 5 टन काउंटर वेट पे क्या होगा, 10 मीटर बूम लेंथ रहेगा और सेम 3 मीटर रेडियस रहेगा, यहाँ पे कैसा क्या रहेगा, मान लो कि 50 टन दिया है, यहाँ पे 4 मीटर पे दिया है आपका बढ़ जाएगा ना? हाँ, ये मान लो काउंटर वेट ज्यादा है तो यहाँ पे आपका दिया है 45 टन, फिर इसके बाद में यहाँ पे 5 मीटर पे दिया है 35 टन, 6 मीटर पे दिया है 25 टन, 7 मीटर पे दिया कितना, मान लो 16, 8 मीटर पे दिया है कितना, 2 टन। अब पहले लोड चार्ट कैलकुलेट करने के लिए, देखने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए मैक्सिमम सेफ वेट इसका कितना है, तो मैक्सिमम सेफ वेट कितना है, 50 टन। तो मैक्सिमम SW इज इक्वल टू 50 टन। अब मैक्सिमम फॉल्स कितना है जो कि वो इन फ्यूचर में भी उसको बढ़ा के लगा सकता है। अब मैक्सिमम फॉल क्रेन वाले का आप फुल्ली काउंट कर सकते हो, लोड चार्ट में भी दिया रहेगा, अब मैक्सिमम फॉल क्रेन वाला भी बताएगा। मान लीजिए आपका मैक्सिमम फॉल्स जो है वो 10 है,
10 नंबर्स है, ओके। अब 10 मैक्सिमम फॉल्स है, मैक्सिमम कैपेसिटी 50 है। अब वन फॉल की, वन वायर रोप की कैपेसिटी कितना होगी? वन रोप की कैपेसिटी 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना होगा? 5 टन। अब ये वन वायर रोप की कैपेसिटी हो गई, ठीक है। अब प्रेजेंट में मान लो उसने 4 वायर रोप लगाया है, 4 फॉल्स। अब अगर डिस्प्ले में 4 फॉल्स उसने लगाया है तो 1 वायर रोप की कैपेसिटी कितना? 5 है। तो 4 रोप की कैपेसिटी कितना हो गई? 20 हो गया। अब ये क्या होगा आपका, यहाँ पे 3 मीटर पे 50 टन नहीं दिखाएगा, 3 मीटर पे कितना दिखाएगा? यहाँ पे 20 दिखाएगा। यहाँ पे 4 मीटर पे कितना दिखाएगा? 20 दिखाएगा। यहाँ पे कितना दिखाएगा? 20 दिखाएगा। यहाँ पे 6 मीटर पे कितना दिखाएगा? 20 दिखाएगा। क्योंकि जितना 4 फॉल्स पे कैपेसिटी आना चाहिए सेफ लोड, उससे ज्यादा है। अब यहाँ पे 7 मीटर रेडियस पे क्या होगा? 20 नहीं दिखाएगा, यहाँ पे ओनली 5 दिखाएगा। ये आपका मेन पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक है। यहाँ पे 4 फॉल्स है, यहाँ पे 20 नहीं दिखाएगा, यहाँ कितना दिखाएगा? 5 दिखाएगा, 5 टन पे। क्योंकि यहाँ पे सेफ वेट 5 टन ही लिखा है, हाँ। और 20 तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि फिर तो अपना इसलिए का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, हाँ। 5 टन से ज्यादा हो रहा है, हाँ। अब यहाँ पे कितना है? 8 मीटर रेडियस पे 1 लिख रहा है, हाँ। यहाँ पे कितना दिखाएगा बताओ? 5। यहाँ 1 है ना, हाँ। तो नहीं दिखाएगा, कितना दिखाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 20/1 दिखाएगा, 1 ही दिखाएगा। इफ आपका फॉल्स जो टोटल आ रहा है सेफ वेट का, अगर वो सेफ वेट से कम है, ठीक, हाँ। है, तो ये वैल्यू दिखाए। अगर वो सेफ वेट से ज्यादा हो रहा है तो जो सेफ वेट का वैल्यू है वो दिखाए। क्योंकि यहाँ पे 4 फॉल्स पे अपना 20 टन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 टन है, 5 टन है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 और 1 ही दिखाया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें, LC2 हमने कर दिया, यहाँ पे भी अगर हमने 4 फॉल्स किया हुआ है तो 4 फॉल्स पे क्या दिखाया? 20। यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 6 टन लिखा है, तो कितना दिखाएगा बोलो? 6 दिखाएगा। समझ गए पॉइंट? यहाँ पे 6 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20 से कम हो जा रहा है, ठीक है। ये कितना दिखाएगा? 2 टन जो लिखा है, 2 दिखाएगा। समझ गए? अगर 3 लोड चार्ट रहता तो LC3 करके तो भी यही कैलकुलेशन चलेगा। पहले 1 वायर रोप का कैपेसिटी कैलकुलेट करेगा डिस्प्ले हमारा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम सेफ वेट डिवाइड बाय मैक्सिमम फोर्स। अब मैक्सिमम फोर्स अगर उसका 10 है, आपने डिस्प्ले में 10 डाला है, तो 1 वायर रोप का कैपेसिटी कितना हुआ? 5 हुआ। अब मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमम फॉल्स यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया, या उसका क्रेन का है कितना, मान लो कि 20 है, ठीक है। अब कितना हो गया 1 वायर रोप की कैपेसिटी? नहीं, 20 नहीं, हमने मान लिया कितना हो गया इसका, 5 है मैक्सिमम। तो अब 1 वायर रोप का कैपेसिटी कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, 1 वायर रोप का कैपेसिटी 10 टन। अब यहाँ पे मान लो यूजर ने 4 फॉल किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो सेफ लोड दिया है, ये मैक्सिमम फॉल जब रहेगा तभी डिस्प्ले कर, मैक्सिमम फॉल की कंडीशन से दिया है। अब मान लो 4 फॉल कर दिया, अब यहाँ पे 1 फॉल की कैपेसिटी 10 टन है, तो 4 फॉल पे 40 आना चाहिए, तो 40 आएगा। यहाँ पे 4 मीटर रेडियस पे 40 आना चाहिए, 40 आएगा। यहाँ पे 30 ही दिखाएगा, 40 नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सेफ लोड फॉल से कम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना दिखाएगा? 20 ओनली, ठीक है। यहाँ पे कितना दिखाएगा? 5 ओनली। यहाँ पे कितना दिखाएगा? 1 ओनली। गॉट इट? दोनों सेट है क्या? यही अभी आज का फंडामेंटल वीडियो है।